हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव, ब्लॉग, टॉपर स्टॉक और हमारे 2021 की प्रिपरेशन जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की होने जा रही है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारी क्लासेस जो है एक एप्लीकेशन है यू पाठशाला, इसका आप इसको प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो बीएचयू पाठशाला, तो आपको अपने आप को सामने दिख जाएगा। 1000 से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं आज की डेट में, मीन्स दिसंबर 2020 में। और आज का ये वीडियो बहुत ही गंभीर मुद्दे पे है और उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो इस समय 12वीं में हैं, जो लोग 12वीं पास कर चुके हैं और जो लोग भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने के सपने देख रहे हैं, उन सभी लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए और वो अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, यार मित्र, दोस्त को शेयर और सजेस्ट कर सकते हो। चलिए आज के सब्जेक्ट पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग ने एक कहानी पढ़ी होगी हिंदी साहित्य में, लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियों में इस बात को मेंशन किया गया था कि जब मशीन युग आता है, जब मशीनरी आती है, जब ये कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, तो ये जो लाख की चूड़ियां होती हैं इसके जो कारीगर थे उनके हाथ कट जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका व्यवसाय चला जाता है क्योंकि अब चूड़ियां मशीन से बनने लगती हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, वो कारीगर जो अपडेटेड थे, जो कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जो लोग साइबर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना और ट्रांजेक्शन करना, इन सबसे जो जुड़ा हुआ इंसान है, अगर वो डेली अपडेटेड रहता है तो वो क्या करता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। ये बेसिकली एक अपडेट वर्जन है गवर्नमेंट का, हमारा, हम सब का। कोविड जब आया तो काफी चीजें बदली, हमारी क्लासेस पूरी की पूरी अब ऑनलाइन हो चुकी हैं और दूर दूर तक कोई भी संकेत नहीं दिख रहे हैं कि हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल कब प्रॉपर वे में, कब रोड पे फिर से भीड़ भाड़ दिखेगा, कब हम फिर से प्रॉपर वे में सभी चीजों को देख पाएंगे या कर पाएंगे। तो ऐसे में इंडिया गवर्नमेंट का अभी एक यूजीसी की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये मेंशन किया जा रहा है कि आने वाले समय में 2021 का जो पेपर होने वाला है वो कॉमन पेपर होगा। मींस जैसे नीट होता था, पूरे मेडिकल कॉलेज को एक करके एक पेपर कराया जाता था, और पूरे जेई मेन, मींस जो भी आईआईटी कॉलेज में जाना चाहते हैं पूरे आईआईटी कॉलेज को एक करके उसका एक पेपर जेई मेन और एडवांस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। उसी तरीके से आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, बेसिकली उसमें कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम मेंशन भी मैं कर दे रहा हूं, जैसे बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, ऐसे यूनिवर्सिटी जिसमें 8-10 साथ है, वो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो दूंगा पूरे फैक्ट्स के साथ। अभी बेसिकली मैं बस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूं। तो ये यूनिवर्सिटीज भी अब एक ही पेपर कराएंगे और उस पेपर के थ्रू आप क्या करोगे, अपना पोजीशन बना पाओगे, अपनी एक सीट ले पाओगे भारत के अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो दोस्तों आपको यहां पर करना क्या है, ये न्यूज सुनने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है और आपको क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या आपको दिमाग अब किस तरीके से दौड़ाना चाहिए, ये बातें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये गुड न्यूज है क्योंकि अब आपको अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के फॉर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जगह जाकर पेपर नहीं देने की जरूरत है, अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट यूज करके नहीं जाना पड़ेगा, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, ये सभी चीजें इसके पॉजिटिव इंपैक्ट में आते हैं। लेकिन यहां पर एक निगेटिव इंपैक्ट थोड़ा सा जो है वो ये है कि इसकी तैयारी कैसे किया जाएगा, क्योंकि अभी पूरा एक खुला संसार होगा, अभी एक पूरा नया वर्जन होगा, अपडेटेड होगा, यहां पे किसी को कोई नहीं पता है, चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, सब यहां पे बराबर आके खड़े हो जाते हैं कि इसकी तैयारी आखिर कैसे कराई जाए। तो सबसे पहला फैक्ट निकल के आता है कि हमें इसका अपडेटेड वर्जन जितनी जल्दी मिल जाएगा, सिलेबस पता चल जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा, किस तरीके से प्रोसेस है इनका, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या उसका ब्लूप्रिंट है, जैसे ये मिलेगा पूरा का पूरा जो एक आगे की जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो इसके लिए ये चैनल बहुत मस्त हो जाता है क्योंकि ये अपडेटेड वीडियो ऑलरेडी है, ये आपको अभी फर्दर एज अ एक अपडेटेड मीटिंग का भी मैं आपको बता रहा हूं कि कॉमन पेपर होने जा रहा है। तो जैसे इसके अच्छे अच्छे फैक्ट्स आने लगेंगे, इंपॉर्टेंट बातें समझ में आने लगेंगी, वो पूरा का पूरा मैं बोर्ड पे या फिर स्मार्ट बोर्ड पे पूरा का पूरा पीडीएफ बना के मैं समझाऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो बीएचयू पाठशाला की जो टीम है वो बहुत अच्छा मेहनत कर रही है, नो डाउट कि उन्होंने 2 महीने में पूरा बहुत अच्छे से सिलेबस कवर कर लिया लगभग। इसके लिए जो एक नया वर्जन आ रहा है उसके लिए भी बीएचयू पाठशाला की टीम पूरा का पूरा तैयार है। हम लोगों ने इतना एनालिसिस कर लिया है कि या फिर अदर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अगर ये अपने आप को उस कॉमन पेपर में ऐड करती है, मींस ये तो ऐड हो ही रहा है, तो इनका जो भी पेपर निकल के आएगा, जो भी इनका सिलेबस निकल के आएगा, कहीं ना कहीं उसका एक जो एक
सजेशन होगा हम लोगों के लिए कि हमें ये पढ़ना है, तो वो एक तरह से कॉमन ही होगा, वही चीजें होंगी। हाँ, इसमें बस कुछ चीजें रिपेल हो सकती हैं, कुछ बाहर आ सकती हैं, कुछ चीजें सबके लिए कॉमन हो सकती हैं, कुछ किसी के लिए पार्टिकुलर्स हो सकती हैं। ये तो एक पार्टिकुलर कोर्स वाइज मैं आपको समझाऊंगा अभी, इसमें आपको तुरंत वरीड नहीं होना है। तो मेरा कहने का मतलब ये था मेरे दोस्तों कि आप लोग अब क्या करोगे, BHU पाठशाला को पहले सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि ये होने जा रहा है अब इंडिया लेवल का चैनल्स, क्योंकि हम अब पूरे इंडिया लेवल के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन एक साथ कराने जा रहे हैं, और इसमें और अच्छी फैकल्टीज जोड़ेंगे, दिल्ली के कुछ टीचर्स भी हमारे यहाँ जुड़ने जा रहे हैं, तो और अच्छा करेंगे। और जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं 200+, गुड न्यूज है हमारे लिए। तो इन 200 स्टूडेंट्स को फायदा ये है कि अभी आप लोग जिस पेमेंट में मेरे यहाँ ज्वाइन हुए, इससे कोई एडिशनल चार्ज हम आपसे नहीं लेंगे, हम आपको उसी चार्ज में और कॉमन पेपर की तैयारी करवाएंगे। बाकी बहुत जल्द जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ, क्योंकि पेपर पैटर्न बदल सकता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस यूजी का जो है लगभग वही होने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि उस चीजों को हटाएंगे, तो हम कुछ अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो हमारा लॉस भी नहीं जाएगा। तो बहुत जल्द अपडेटेड सिलेबस के साथ भी हम आने वाले हैं, लेकिन जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो फर्दर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां से तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया, अब एक सीट बना पाना किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रियली हार्ड हो चुका है। तो मेरा ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि यहां से तैयारी बहुत मस्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो गया है। आई होप कि ये सुधार पॉजिटिव वे में जाएगा, हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे और आप तक पॉजिटिव वे में तक पहुंचाएंगे। तो गाइज प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर ऑफ माई बोथ चैनल BHU पाठशाला एंड यू गुरुकुल, एंड डाउनलोड माई एप BHU पाठशाला फ्रॉम प्ले स्टोर। और इस तरीके मैं आपको यहीं पर इस बात को खत्म करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, इस बार जम के तैयारी करनी है, और हमारी BHU पाठशाला की पूरी टीम मन से लगी हुई है, और हम लोग ठाने हैं कि तैयारी करा के रहेंगे, कोई कहीं से भी क्वेश्चंस ला के रखेगा। सो प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर। मुस्कुराते रहिए, हर हर महादेव, जैसे कृष्ण, राधे राधे, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।